ये तीन चीजें डेवलप करनी रहती है, वो कैसे डेवलप होंगी उसको बताते हैं। अभी पहले इस पर फोकस करते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी रहती है टेस्ट मैनुअल में आपको देने के लिए, ठीक है। ब्लूप्रिंट अगर याद हो तो समझ में आ जाएगा, ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीजें थी वो सब सारी की सारी टेस्ट मैनुअल में डिस्क्राइब होगी, ठीक। एक फाइनल फॉर्म किसी पास है मैनुअल कोई रखा है, टेस्ट का मैनुअल वगैरह कोई रखा है? हाँ सर है। उसमें देखेंगे तो कई चीजें जो है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका जो है वेरिएबल क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक है, उसकी थ्योरी क्या है, ये सब सारी चीजें रहती है। इसके बाद जो है आपका स्कोरिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी बात की आइटम एनालिसिस की पूरी डेट सीट, ठीक है, डेटा का सीट जो जो आपने आइटम एनालिसिस किया हो, है ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, वो पूरी की पूरी सीट आपकी जो है उसमें लगती है, ठीक। कैसे जो है स्कोरिंग करेंगे, मान लीजिए आपने वो टूल खरीदा मार्केट से, स्कोरिंग कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, किन बच्चों का रिप्लाई होगा, वो सारी की सारी चीजें टेस्ट मैनुअल में दी जाती है। और सबसे बड़ी बात की तीन चीजें आपकी रहती है उसमें, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नाम डेवलप रहते हैं, ठीक। अब इसमें आपको ये सब सारी चीजें करनी है, इसमें मैंने पर्पस आपके किस लिए बनाया जा रहा है, डिग्निशन एबिलिटी टू बी मेजर्ड, कौन सा वेरिएबल है किस लिए है, उसको कैसे जो मेजर किया जाएगा उसकी डिग्निशन, ये सब सारी चीजें आपको देनी रहेंगी। अच्छा, थीसिस में आप लोग मेंशन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो मैनुअल में डिग्निशन है, ठीक है, वही आपकी ऑपरेशनल डिग्निशन रहेगी पहले चैप्टर में, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा उल्टा सीधा लिखते हैं, बाद में पढ़ते हैं, ठीक। ब्लूप्रिंट रहेगा, डेटा ऑफ आइटम एनालिसिस की जितनी भी डेटा रहेगी वो सारे रहेंगे, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा वो रहेगा, स्कोरिंग प्रोसेस रहेगी कैसे स्कोरिंग की जाएगी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और नाम जिसमें जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर और एस टी नाइन अगर डेवलप करना चाहे तो कर सकते हैं, इतनी चीजें रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं एक एक, ये ऊपर वाली चीजें तो समझ में आ गई आप लोगों को, सारी चीजें मिल जाएंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? तीन नीचे की छोड़ के ऊपर वाली, ठीक है, पर्पस क्या है उसकी डिफिनीशन दे देंगे, ब्लूप्रिंट, डेटा सीट, अभी आपने ब्लूप्रिंट वगैरह बनाया सब, डेटा सीट भी बनाई, कैसे आइटम एनालिसिस करनी है, समझ में आई बात की नहीं, हाँ, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस पर होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब सारी चीजें आपको लिखनी रहेंगी, लिख लेंगे, स्कोरिंग की प्रोसेस क्या होगी, है एक नंबर देंगे कि दो नंबर देंगे, है यस है तो एक नंबर की दो नंबर, जैसे भी आपको जो भी स्कोरिंग का प्रोसेस आप यूज करना चाहिए। अब आते हैं लायबिलिटी, वैलिडिटी और नाम्स कैसे डेवलप होंगे, ठीक है, इस पर अब इसको चाहे तो बंद कर दीजिए, ठीक, उसकी की गई हो डीपी और डीबी निकला हो। दूसरा होता है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, आपके लेवल तक रिसर्च में अगर आप यूज कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालनी जरूरी है, हाँ? आपको नाम्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई करता है तो सो गुड, नहीं करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस टेस्ट को किसी मार्केट में जो है पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसके लिए नाम्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन थीसिस के लेवल तक आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। अब इसमें एक एक करके आते हैं, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी और कितने प्रकार की होती है, कितने जो है टेस्ट आपका कैसा हो कि उसकी रिलायबिलिटी सही मानी जाए, मतलब कितने जो है वैल्यू तक हो रिलायबल, ठीक। तो 0.80 एक आइडियल फॉर्मेट होता है कि 0.80 के आसपास अगर आपकी रिलायबिलिटी आ रही है तब वो टेस्ट अच्छा माना जाता है, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। अब आते हैं कि रिलायबिलिटी है क्या, क्या होती है रिलायबिलिटी बताओ, कंसिस्टेंसी पाई जाए सर, सर किसी टेस्ट को अगर बार बार एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो उसके स्कोर्स पे जो कंसिस्टेंसी होती है हाँ। वो उसकी रिलायबिलिटी को डिपेंड करती है। अच्छा, और क्रेडिबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी तो बता दिया, अब उसी तरीके से एक शब्द और क्रेडिबिलिटी, अभी हार में सवाल पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी क्या मतलब,
सुना है सब ये काफी सुना है सुना किसको कहते हैं कि रिलायबल है किसको कहते हैं कि क्रेडिबल है होता है ना कभी सुना है कि नहीं रिलायबिलिटी के साथ साथ वैलिडिटी भी हो तो क्रेडिबल है सर हाँ तुम सही भी है दार्शनिक आदमी हो देख रिलायबिलिटी की जब बात करते हैं तो रिलायबिलिटी वास्तव में रिटर्न फॉर्म होता है किसी चीज का जब हम उसको जो है उसका जो है मार्क्स निकालते हैं बार बार सेम नंबर आता है तो वो रिलायबल माना जाता है रिटर्न फॉर्म होता है ठीक है क्रेडिबल का मतलब अच्छा इसको ऐसे समझिए कि क्रेडिबल का मतलब होगा कि जैसे कोई जो है आदमी है वो बात करे ठीक है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है जब इसकी बात आती है तो वो क्रेडिबिलिटी का है ठीक है और उसी की बात को रिटर्न फॉर्म में जब आप टेस्ट करते हैं तो वो हो जाती है रिलायबिलिटी जैसे हम कोर्ट में गवाही देने गए तो हम वहां पर क्या रहेंगे ओनली बोलेंगे और वही हम रिटर्न फॉर्म में दे दें तो अंतर समझ में आया ना तो ये क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी में अंतर होगा ठीक अब रिलायबिलिटी निकालने की विधियां कौन कौन सी अब इसमें से कौन सा हम लोग निकालते हैं जैसे रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी पांच टाइप की है ठीक है एक है वाला टेस्ट रिटेन ना स्प्लिट हाफ दूसरा है स्प्लिट हाफ तीसरा इक्विवेलेंट फॉर्म होता है या पैरेलल फॉर्म होता है और पांचवा है होयट्स रिलायबिलिटी ठीक ये पांच टाइप की होती है अब थ्योरेटिकली तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है अब जैसे टेस्ट भी टेस्ट में क्या करते हैं एक बार टेस्ट करते हैं और कुछ टाइम के अंतराल पर फिर दोबारा सेम ग्रुप में भी कि सेम बच्चे पर सर वही सेम बच्चे सेम बच्चों पर मतलब सबसे पहली बार हमने टेस्ट किया था दूसरी बार भी 15 दिन में उन्हीं पे ही करेंगे कोई कितने दिन में 15 नहीं वो 14 से 21 दिन होता है आप लोग जो है अगर एग्जाम अगर हमने पूछा था 14 से 21 दिन होता है अब 15 दिन जैसे इनके बता रहे हैं तो ठीक है लेकिन फिक्स टाइम क्या करना ठीक 14 से 21 बीच में वो होना चाहिए ठीक तो दो फॉर्म मिल जाते हैं आपको ठीक चलिए अब कैसे उसको निकालते हैं उसको बाद में बताते हैं दूसरा क्या है स्प्लिट हाफ इसमें क्या करते हैं एक तीन पाँच सात ऐसे कर लीजिए दोनों तरीके इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या करते हैं करते हो ऐसा ये दो जो है यही सी में रखते ठीक है रेशनल इक्विवेलेंस क्या है जब एक टाइप के दो परीक्षण आप तैयार करें जिसकी जो है डीपी डीवी सब समान हो ठीक है तो ऐसे परीक्षण पे दो एक ही साथ एक ही टाइप में दो बच्चे पर आप प्रशासित कर लीजिए दो आपको रिजल्ट मिलेंगे फिर उसके बीच निकलेगा कैसे निकलेगा वो बताते हैं तीसरा होता है चौथा रेशनल इक्विवेलेंस इसको कहते हैं केआर इसमें होता है पूरा रिसर्चन इसमें होता है कि आपको टेस्ट ऐसा तैयार करना है जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू ठीक है धीरे 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 बढ़ती रहे और एक स्थिति में ऐसी बन जाए कि बच्चा नीचे के सभी सवाल कर ले और ऊपर का एक भी सवाल कर ले ठीक है
तो ऐसा जो है टेस्ट आपका रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक, होल्ड्स में नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये तीनों आपके लिए संभव नहीं, ठीक, तीन का उपयोग नहीं किया जाता ऐसा नहीं, कम किया जाता, ठीक। और आप लोग क्या करेंगे, इसी में उलझेंगे, टेस्ट, रिटेस्ट या स्पीड। अब इसको कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं, ठीक। देखिए स्मॉल आर या इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.80 के आसपास अगर आएगी तो आपका टेस्ट जो है रिलायबल माना जाएगा, ठीक। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपने स्प्लिट हाफ किया या टेस्ट रिटेस्ट किया, मान लीजिए टेस्ट में ये बच्चा है स्टूडेंट, अच्छा इसको भी समझ लीजिए पहले, आपका रिलायबिलिटी कब निकलेगी, एक बार 370 बच्चों से डेटा आपने लिया, ठीक है, आइटम एनालिसिस कर ली, ठीक। अब जो सवाल बचे हैं वो फाइनल फॉर्म हो गया, अब दोबारा जाएंगे आप उसी पर मत करवा लीजिएगा, नहीं समझ में आया, जो मॉडिफाइड क्वेश्चन जो रिजेक्टेड हो गए क्वेश्चन उनको बाहर कर देना है। मान लीजिए 120 सवाल बनाए थे आपने, ठीक है, एक्सपर्ट ने काटे 100 बचे, आइटम एनालिसिस के बाद कितना बचा 60, अब इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकलेगी, इसकी नहीं निकलेगी, समझिएगा इस चीज को। आप लोग करते क्या है, ये एक ही बार ले लेते हैं, उसी का डेटा ले लेते हैं, उसी में जो है रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब जो है जो छाप के निकाल देते हैं, इसको नहीं करना है आपको, इसको अलग से करना है, 60 क्वेश्चन का फिर से टेस्ट लेना है, फिर 14-21 दिन में रीटेस्ट करना है, फिर इसके बाद उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालनी, ठीक। अब निकलेगा कैसे कि स्टूडेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इसमें कोई संख्या ले लीजिए, आप 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है, 200 ले लीजिए, लेना 370 चाहिए बाकी आपको, ठीक। तो अब इसमें से ले लीजिए, टेस्ट में मान लीजिए 60 सवाल है, ठीक है, 60 सवाल में से बच्चे ने पाया 40 नंबर, रीटेस्ट किया 14 दिन बाद आपने, ठीक है, उसी में पाया वो 45 नंबर, ठीक है, बस समझ में आएगी नहीं, इसी तरीके से दूसरा पाएगा, तीसरा पाएगा, चौथा पाएगा, पाएगा, सब लोग नंबर पाएंगे ना बच्चे। अब क्या करना है पियर्सन आर, इसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन, ये माइनस नहीं रहता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला रहता है। अब इसमें एक्स और वाई क्या है, एक्स ये है और वाई ये, ठीक है। अब मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो यहां पर मान लीजिए ये समेशन एक्स हो जाएगा, यहां पर निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ एक्स वाई निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सबकी वैल्यू आ जाएगी अलग है, ठीक है, समेशन एक्स समेशन वाई एक्स वाई सब अलग अलग आ जाएगा, सारी वैल्यू उसमें रख दीजिए, ठीक, फार्मूले में जो भी वैल्यू आएगी वो आपको क्रॉस वैलिडेट करके बता देगी रिलायबिलिटी कितनी आएगी, बात समझ में आई कि नहीं है, ये आपका सिंपल टेस्ट रीटेस्ट की बात है। स्केल के साथ भी यही कंडीशन रहती है सर, हाँ इसको समझ लीजिएगा, स्केल में भी यही फार्मूला चलेगा, रिलायबिलिटी वैलिडिटी और नॉर्म्स में स्केल में भी यही चीजें रहेंगी, हम स्केल में ये चीजें अलग से नहीं बताएंगे आपको, ये जान लीजिए, जब स्केल कर डेवलप करेंगे ना, जैसे 370 लोगों पे हमने एडमिनिस्टर कर लिया है, उसके बाद फिर हमें अलग से डेटा लेना पड़ेगा, डेटा रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए अलग से डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है जी, अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो गलत, ठीक। अब आपको आर की वैल्यू मिल गई, टेस्ट हो गया, रिटेस्ट हो गया, अब स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, ने दो पार्ट में तोड़ा उसको अपने क्वेश्चन, एक ही बार आपको लेना रहता है उसे,
हाँ डेटा आपको एक ही बार लेना रहता है, 200 बच्चों से अपने डेटा ले लिया, ठीक है। तो अब पहला स्टूडेंट हो गया, उसने इवेंट पे कितना नंबर पाया और 8 सवाल पे कितना नंबर पाया। हाँ मान लीजिए आपके 60 सवाल है, ठीक है, तो पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांच, पहले पर, तीसरे पर, पांचवें पर, सातवें पर, ये देख लेंगे, ठीक है, कितना नंबर पा रहा है इवेंट पे। तो एक नंबर उसका मान लीजिए इवेंट पे 30 नंबर 40 नंबर आया, हाँ आठ पे कितना आ गया 12 नंबर, या 20 ज्यादा हो जाएगा, 60 से ज्यादा हो जाएगा, 12 नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो नंबर आपको मिले ना एक बच्चे के, समझ में आ रही बात की नहीं, एक बच्चे के दो नंबर मिले। फिर आप क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू जो भी आए, ठीक है। अब ये बताती है आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी, पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए आपको आर डैश निकालना पड़ेगा। आर डैश क्या होता है, 2R/1+R, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू आई है इसमें रखेंगे तब आपको ये आर डैश मिलेगा। ये आपकी स्प्लिट हाफ की जो है टोटल रिलायबिलिटी बताएगी, स्प्लिट हाफ, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। स्प्लिट हाफ में आपको आर डैश निकालना पड़ेगा, ठीक, और क्या समझे कि नहीं, रिपीट कर दीजिए। टेस्ट रिटेस्ट समझ में आया, आर निकल गया, टेस्ट टेस्ट रिटेस्ट का। स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, पूरे टेस्ट को दो पार्ट में जो है बांट देते हैं, चाहे तो आप 50% 50% 50% कर लीजिए, चाहे तो इवन आंसर कर लीजिए, दोनों तरीके। मान लीजिए 30 सवाल है तो 30 ऊपर के एक ग्रुप में रख लीजिए, 30 नीचे के एक ग्रुप में, हाँ, या इवन आंसर कर लीजिए कि पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा छठा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो नंबर मिल जाएंगे, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है। इस फार्मूले से आर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, आर कैलकुलेट हो गया। आर अब आपके आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी बताता है, ठीक है। पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इससे, ठीक है। अब ये पूरे टेस्ट की आपकी रिलायबिलिटी, ठीक। तो दो ही तरीके हैं जिससे आप अपने इस अवस्था में रिलायबिलिटी अपने टेस्ट की निकाल सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उससे निकालिए, ठीक। समझ में आया कि नहीं, अब वैलिडिटी कैसे निकालेंगे बताइए, कल तो सर बताए होंगे, ठीक है। पहला तो फेस और कंटेंट, फेस कंटेंट और फेस कंटेंट और कंक्रीट केवल दो चलती, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी दुनिया भर की जो चीज कर रहा है, जो कर रहा है, सब जो है इधर उधर की बात है, ठीक है। केवल दो वैलिडिटी आप निकाल लो, या जो है एक दोनों में से कोई एक निकाल लो, उतनी बहुत बड़ी चीज, ठीक है। एक है कंकरेंट और दूसरी फेस वैलिडिटी, बाकी और कोई वैलिडिटी जो है आप लोगों की यूज की नहीं है, ना कर पाओगे आप लोग साफ की बात, ठीक है, दो ही है। अब इसमें जो है फेस वैलिडिटी क्या है, ओपिनियन ले लेते हो, तुम्हारा सिंपल सा काम सीधे सीधे जो है अपना काम निकाल लेते हो, ठीक। कंकरेंट वैलिडिटी कैसे निकाली जाती है, कंपेयर करते हैं, फिर वही बात आती है। कंकरेंट में क्या हो जाता है कि आपका ओरिजिनल टेस्ट, ठीक है, जो आपका है, ठीक, ये एक्स हो जाता है, और दूसरा मार्केट में जो उपलब्ध टेस्ट है उसी वेरिएबल पे, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, ठीक। एक टाइप में गए, एक अपना टेस्ट दे दिया और एक जो है मार्केट से लिया हुआ टेस्ट दे दिया बच्चों को, दो वैल्यू मिली, ठीक है, दोनों में कोरिलेशन आपने निकाला। जब ये वैल्यू आपकी 8.70 के आसपास आ रही है, कंकरेंट वैलिडिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक। बात समझ में आई नहीं, सर अगर कोई टेस्ट बना रहे हैं और मार्केट में उस रिलेट अगर उपलब्ध नहीं हो तो ये कैसे निकाली जाएगी, ये फिर आपकी फेस वैलिडिटी निकलेगी, ठीक, फिर और कोई तरीका नहीं,
क्योंकि और तरीके हैं, लेकिन उसमें फिर आपका वो फिर एक तरीके से आपका जो है थीसिस का ही काम हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो आप सभी लोग ये क्या कहते हैं फेस वैलिडिटी की तरफ रही। ठीक, अच्छा इसमें भी ये है कि कंकरेंट वैलिडिटी भी अगर आप निकाल रहे हैं तो जैसे नहीं नहीं अचीवमेंट टेस्ट में, अचीवमेंट टेस्ट तो कभी कभी जो है सुपरवाइजर कह देते हैं कि भाई ठीक है अगर आप जो है निकाल रहे हैं तो अपना जो टेस्ट आपने बनाया है और बच्चों के जो है उस ईयर के जो है मार्क्स ले लीजिए जो उन्होंने फाइनल एग्जाम में पास किया तो उन दोनों को जो है मिला के देख लीजिए, तो वो भी चलता है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में कि मान लीजिए आपने जो है हिंदी का टेस्ट बनाया, ठीक है। हाँ सर, क्यों ऐसा होता है कई बार अचीवमेंट जब देखनी होती है रिसर्च में तो कुछ लोग जो है रिजल्ट ले लेते हैं और कुछ लोग प्रॉपर अचीवमेंट टेस्ट बना के एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है, ये पूछना अपने सर से क्या बताते हैं सर, आप बताइए। देखिए इसमें जो है दो रीजन है, पहली चीज ये कि वो जो रिजल्ट आते हैं रिजल्ट अपने आप में जो है ये माना जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन काम होती है, ठीक है जो उनके रिजल्ट है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। ठीक, होना नहीं चाहिए, पता नहीं किस परिस्थिति में किस कंडीशन में उसने एग्जाम दिया हुआ है, क्या रिजल्ट आया, उसके क्या नंबर्स हैं। हाँ वो भाई सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर वेरी करता है, ठीक, उसका बस एक ही जो है जवाब देता है कि भाई अगर इतना जो है वैलिडेट और स्टैंडर्डाइज ना होता तो उनको जो है नौकरी कंसिडर क्यों करते, समझिए जो उनके मार्क्स आए हैं फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता है कि ठीक है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए रिसर्च के पर्पज से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने टेस्ट बना के उससे जो उनका अचीवमेंट लेना चाहिए। अब ऐसी कोई कई परिस्थितियां हो जाती है कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो ये होता है कि नहीं, तो वो दोनों चलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी बाईपास कर देता है, उसमें बोलता नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। हम उनकी कुछ कर रहे हैं तो ये आपको क्या कहा थे, वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी और कंकरेंट, ये दोनों चीजें हैं, दोनों में से एक निकालना रहेगा आपको, निकाल लेंगे आगे बढ़े। अब आते हैं नाम्स के ऊपर, नाम्स कैसे डेवलप करें। हाँ बताओ, कहीं कहीं जो है नाम डेवलप रहते हैं, कहीं कहीं आपको खुद डेवलप करने पड़ते हैं, तो कई तरीके के होते हैं, एज नाम, क्लास नाम, दुनिया भर के होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्डाइज्ड नाम्स की बात करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड नाम्स में आपके चार प्रकार के नाम डेवलप किए जाते हैं, ठीक, जेड स्कोर, टी, सी और स्टेनर, ये चार प्रकार के स्कोर डेवलप किए जाते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आइटम वाइज जो है नाम डेवलप किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए जेड स्कोर का है, तो जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जेड स्कोर के लिए। अब इसमें मान लीजिए आप अपने टेस्ट का डेवलप कर रहे हैं जेड स्कोर या कोई भी जो है स्टैंडर्ड स्कोर डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर मान लीजिए ये आइटम है, ठीक है, आइटम वाइज डेवलप होगा जेड स्कोर, ये समझिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 200 बच्चों से आपने डेटा लिया तो 200 बच्चों ने कितना नंबर पाया, ठीक है, यहां पर कितना नंबर पाया पहले सवाल पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, 60-50 सवाल जो भी रहे, ठीक, ये जितना नंबर पाएगा, मान लीजिए ये मैं पाया ए नंबर, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे सब नंबर पाएंगे जो भी हो, ठीक। मान लीजिए 200 लोग हैं तो 200 में से एक नंबर का सवाल है तो मान लीजिए कितना नंबर पाया, मान लीजिए 175 नंबर पा गए, ठीक, इसी तरीके से 160, 170, 145, ऐसे कुछ नंबर पाएंगे जो भी हो, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर पाए, ठीक। तो अब ये आइटम वाइज हो गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, अब यहां पर क्या निकालेंगे आप, अगर जेड स्कोर निकाल गए तो सबसे पहले तो टोटल का आप निकालेंगे मीन, ठीक है, और निकालेंगे एसटी, समझ में आई बात की नहीं, टोटल का यहां से निकालेंगे। अब आएंगे आइटम वाइज जेड, जेड कैसे निकलेगा, अब 175 माइनस
मीन और एचडी जो कोई वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी सर। इस तरीके से आइटम वाइज आपका जेड डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका जेड, एक बार आ गया कोई दिक्कत नहीं, जेड टी सी और एस, इसका फार्मूला क्या होता है 50 प्लस 10 जेड, इसका फार्मूला होता है 5 प्लस 2 जेड, और इसका होता है 5 प्लस 1.96 जेड, ठीक है। एक एक्स आ गया तो आसानी से सारी चीजें आपको निकल जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये निकालना है जो हम कितनी कैटेगरी पर बांटना चाहते हैं, 3 पॉइंट पर रखना चाहते हैं, 5 पॉइंट पर रखना चाहते हैं, 7 पॉइंट पर रखना चाहते हैं, ठीक है, वो फिर बताएगा टोटल स्कोर मीन या एचडी से, ठीक है, या उसका क्वार्टाइल निकाल लीजिए या डेसाइल निकाल लीजिए, तो वो बताएगा, ठीक, उस पर हम कल बात करें, ठीक, कैसे कैटेगरी में बांटेंगे। मान लीजिए 3 कैटेगरी में रख रहे हैं, हाई मीडियम और लो, तो उसमें क्या करेंगे, क्वार्टाइल निकाल लीजिए, क्वार्टाइल से आ जाएगा 3 कैटेगरी में, नहीं आएगा अमीन कैसे है जी, 3 कैटेगरी का लिए जो भी मन करे, फाइव पे रख रहे हैं तो क्या करेंगे, मेन प्लस टू एसडी कर दें, मेन प्लस टू एसडी कर दें, क्यों करेंगे, फाइव कैटेगरी हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगी, एक बार टू एसडी करेंगे, एक बार वन एसडी करेंगे, तो फाइव बार चला लेंगे, मेन माइनस टू एसडी माइनस मेन माइनस वन, चलिए सब बताएंगे उसको। और कोई सवाल कभी-कभी होता है कि जो है आपका जो वेरिएबल है उसको कहते हैं कि बहुत हाई लो ग्रेड का है कि लो ग्रेड का है, कि मान लीजिए जो है आपने कोई जो है वो बना लिया टूल, इन्हीं का ले लीजिए, उसमें ज्यादा सृजनात्मकता है कि कम है कि मीडियम, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रेड बांटे जाते हैं, एवरेज बनाया जाता है, ठीक, उसकी आवश्यकता आप लोगों को नहीं, क्योंकि उतने में आप लोग फंस जाएंगे, आप अभी डायमेंशन वाइज पर ही रहिए, वेरिएबल में जितने डायमेंशन है उसी पर रहिए, ठीक है, बाकी आगे की चीजें आगे देखिएगा, अभी जीवन बहुत बड़ा है, रिसर्च और करनी है। सर 370 स्टूडेंट जो आप बता रहे हैं, जब हम दोबारा से जाएंगे रिलायबिलिटी के लिए तो फिर 370 स्टूडेंट चाहिए होगा, चाहिए तो, लेकिन नहीं मिला 100-200 के, तो फिर कैसे रिलायबिलिटी निकली, क्वेश्चन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट सेम नहीं होंगे ना, कहां हो रही है बताओ, नहीं जैसे रिलायबिलिटी देखेंगे तो रिस्पॉन्स सेम देखेंगे ना कि हाँ इस क्वेश्चन पे, जैसे वो टेस्ट रीटेस्ट वो तो तुमको चुनना पड़ेगा ना, कि जैसे टेस्ट रीटेस्ट करा रही हो तो तुम जमुना क्रिश्चियन कॉलेज में इंटर के जो 11 के बच्चे सेक्शन सी वाले हैं उनका तुमने जो टेस्ट लिया, फिर 14 दिन बाद फिर उन्हीं को पकड़ोगे उसी क्लास में, उसी क्लास को नहीं बच्चों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब ना मिलेगा, मान लीजिए मेरा टाइम तो ओवर हो गया, हमने एक बार डेटा ले लिया है अभी साल भर हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे, फिर स्पीड हाफ करना पड़ेगा, हाँ स्पीड हाफ करना, ये तरीका है स्पीड हाफ करने, उसमें डेटा एक बार लेना पड़ेगा, अब सभी तो स्पीड हाफ ही करते हैं, कम करना है लेते हैं, एक बार डेटा भरवाने में जो है 10 10 मिनट, और बताओ सर, तो ये